सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक प्रधान ब्रह्मदास की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह और सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जगदीश चंद शर्मा को चेयरमैन और अर्जुन सिंह को सचिव नियुक्त किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहचान पत्र दिए जाने, पुलिस कर्मचारियों की विधवाओं को सम्मानित किए जाने, सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर हो गई है उन्हें सम्मानित करने आदि पर चर्चा की गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने मांग की कि उन्हें भी पैरामिलिट्री सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस मौके पर प्रेस सचिव रमेश चंद होशियार सिंह भी मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से बात कर उनके अनुभवों को जानने का मौका मिलता है और हर क्षेत्र में ये लोग पुलिस की समय समय पर मदद करते हैं, जिससे कि पुलिस को लोगों के साथ तालमेल बनाने में सहयोग मिलता है। हमारे जो सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी हैं, ये समय समय पर आपस में बातचीत करने के लिए और पुलिस प्रशासन के पास अपनी बातें रखने के लिए इस तरीके से मीटिंग करते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हम इनके अनुभवों से सीखें और इन्हें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका हम जल्दी से जल्दी निवारण करें और इनके अनुभवों का पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा लाभ उठाया जाए और इन जिस भी इलाके से ये लोग बिलोंग करते हैं उसमें कानून व्यवस्था किस तरीके से और सुदृढ़ की जाए और कैसे व्यवस्थित की जाए, इस पर हम लगातार बातचीत करते रहते हैं और इनके अनुभवों का, इनके जो एक्सपीरियंस हैं उनसे हम फ़ायदा उठाते रहते हैं ताकि हर गांव में हमारी पहुंच बढ़ सके। जो बच्चे हमारे लगातार नशे की तरफ जा रहे हैं उनके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकें और ऐसे बच्चों को हम नशे से बाहर निकाल के कुछ और जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें साथ लेकर आएँ और गांव में जितने भी जैसे चोरी वगैरह की घटनाएं हो रही हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है और आम नागरिक किस तरीके से सचेत रह के जो छोटे छोटे अपराध हैं उनको रोकने में हमारी मदद कर सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम विचार विमर्श करते रहते हैं और एक अच्छी पहल है इनकी तरफ से। काफ़ी लोग इसमें जो सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी हैं किसी भी रैंक से, किसी भी जगह से, जो इस जिला से बिलोंग करते हैं, सारे आपस में मिलकर बातचीत करते रहते हैं और हमारी एक किस्म से इसमें मदद करते रहते हैं और पूरी सोसाइटी का इस तरीके से मीटिंग करके, इस तरीके से विचार विमर्श करके पूरा फायदा होता है ताकि हम कानून व्यवस्था को और अच्छे तरीके से सुचारू बनाए रखें। प्रधान ब्रह्मदास ने बताया कि आज बैठक में कुछ मांगे रखी गई हैं जिनको लेकर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों ने मांग की है कि उन्हें भी पैरामिलिट्री सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। आज के मेन मुद्दे रहे कि जो उन्होंने मेडिकल बिल के बारे में बोला कि हमें बहुत देर से मिलते हैं, तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट वो अपने एसपी ऑफिस आ सकता है। बाकी पैरामिलिट्री वालों की तरह कंटीन के बारे में बातचीत हुई तो इन्होंने बोला कि जो भी इशू होगा, जो हमारे लायक होगा उठाने के लायक, आगे गवर्नमेंट को लिखने के लायक, वो ये भी हो जाएगा। बाकी बस ऐसे ऐसे और अपने लोगों ने प्रॉब्लम में बताई जो उन्होंने तो आज...